दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 2-3 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात में मौजूद होते हैं और गुजरात में मौजूदगी के दौरान तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती है, जहां देखते ही देखते बवाल मच जाता है और महज 24 घंटे के अंदर 2 जगह पर बवाल की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं और ऐसे समय पर आती हैं जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री गुजरात में मौजूद होते हैं, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जब इतनी चकाचौंध देश के प्रधानमंत्री के लिए होती है तो ऐसे समय पर गुजरात में हिंसा कैसे भड़क गई और इस हिंसा के पीछे कौन लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये हिंसा भड़की। क्योंकि आप अगर गोदी मीडिया की तस्वीरों की बात करें तो आप देखेंगे कि एक जगह लिखा है कि गुजरात की शांति का दुश्मन कौन है और तस्वीर को फोकस करके दिखा दिया कि देखिए हथकड़ी है एक तरफ, यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ टोपी कुर्ता पजामा दिख रहा है तो दिखा दिया कि गुजरात की शांति का दुश्मन कौन, यहाँ एक तरफ कोने में हथकड़ी जो कि बताता है कि देखिए सारा कसूरवार जो है वो मुसलमानों का ही है, और दूसरी तरफ तो शोभा यात्रा बजरंग दल की निकल रही थी शांतिपूर्ण तरीके से और ये हिंसा भड़क गई। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि News24 भी इसी तरीके से खबरों को प्रकाशित करता है, पूरे मुस्लिम समुदाय की तस्वीरों को साझा करता है और बताता है कि गुजरात में नू जैसी हिंसा, बजरंग दल की यात्रा पर हमला। तो वहीं यहाँ लिखा जाता है कि महाराष्ट्र सते गुजरात में आखिरी गांव में पथराव और बवाल की तस्वीरें सामने आई और इस गांव के बाद जो है वो महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें दिखाने की बताने की कोशिश की जाती हैं पर इन तस्वीरों में गोदी मीडिया के एक चीज जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई वो थे मुसलमान, जिनकी तस्वीरों को जूम कर करके थंबनेल पर लगा दिया गया, हेडलाइन में बना दिया गया कि देखिए किस तरीके से पथराव हो रहा है। पर पथराव का कारण क्या था इसके बारे में भी जांचना ज़रूरी है, जहां लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से शोभा यात्रा के दौरान किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियों में घुस करके तांडव मचाया जाता है और मस्जिद के सामने तो पूरा नंगा नाच किया जाता है, डीजे पर भड़काऊ गाने होते हैं और जब डीजे पर भड़काऊ गाने को लेकर के आपत्ति जता देते हैं तो ये तस्वीर सामने आ जाती है और ये दिखाने की कोशिश होती है कि मुसलमानों तुम्हें हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है इसलिए आप हमसे कुछ नहीं कह सकते। जो तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और देश के गृह मंत्री की मौजूदगी में, जो कि तस्वीर एक तरफ तो आपने देखी कि किस तरीके से हिंसा की तस्वीरों पर जूम करके फोकस कर दिया। सोशल मीडिया पर जब मैंने रिसर्च की तो बीते कुछ दिन पहले यानी कि हिंसा से 2 दिन पहले जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो हथियार बांटने का काम जो है जगह जगह जाकर कैंप चलाकर कर रहे थे, जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, छोटा सा त्रिशूल लेकर के वितरण किया जा रहा है। और ऐसी कौन सी शोभा यात्रा है जहां पर इस तरीके से त्रिशूल हथियार बांटे जाते हैं, भाषण चलता है, मंच पर तमाम नेता मौजूद होते हैं, जहर उगला जाता है मुसलमानों के खिलाफ, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे यह हथियार महज हिंसा से 2 दिन पहले जगह जगह बांटे गए। और इन सब की भी जांच होनी चाहिए, जहां एक तरफ बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी जांच कराइए और बताइए कि कैसे त्रिशूल बांटे गए, कैसे हथियार बांटे गए ठीक हिंसा से 2 दिन पहले, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गुजरात सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ ग्राम में जिला के मानवादार प्रखंड में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, राष्ट्र धर्म रक्षा का संकल्प लिया गया,
इस कार्यक्रम में वक्ता श्री धर्मेंद्र भाई भवानी विहीप केंद्रीय सहमंत्री धर्म प्रसार उपस्थित रहे, जो कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे त्रिशूल वितरण का व्याख्यान किया जा रहा है, किस तरीके से उसका ढोल पीटा जा रहा है कि देखिए हमने जो है त्रिशूल बांटे हैं। महज 24 सितंबर को ये बांटा जाता है, 27 तारीख को यानी कि हिंसा होती है, और उस दौरान जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ मौजूद होते हैं, ये सब क्या कुछ चल रहा है, क्या इसकी भी जांच होगी, जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के नर्मदा जिले में सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान हंगामा हुआ, जहां दावा किया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने पथराव किया। सलाबा इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस ने मामले की जानकारी दी कि पथराव की एक घटना के बाद ये झगड़ा हुआ, जहां हालत बेकाबू हो गए, जो कि तस्वीर आपके सामने है। ठीक दो दिन पहले हथियार बढ़ते हैं और ये हिंसा देखते ही देखते भड़क जाती है। फिलहाल इलाके में माहौल शांति बताया जा रही है। नर्मदा जिले के इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। दावा ये किया गया है कि जब बजरंग दल की यात्रा इलाके से निकल रही थी तो कुछ लोगों ने यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और माहौल ख़राब हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा और इलाके में गश्त की, जिसके बाद मामला अब शांत हो गया। अब तस्वीर देखिए कि बताने की कोशिश की गई कि महज शांतिपूर्ण तरीके से बजरंग दल की यात्रा निकल रही थी और देखते ही देखते बवाल हो गया। एक पक्ष के लोगों ने, यानी कि आपने थंबनेल पर तो मुसलमान लगा दिए, जाहिर सी बात है एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों ने पत्थर कर दिए। इसकी नौबत क्यों आई, इसके बारे में भी जांचने की ज़रूरत है। जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है और जिन लोगों को फोकस कर करके दिखाया जा रहा है, पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ दाढ़ी टोपी पहना करके उस भीड़ में लोगों को शामिल तो नहीं कर दिया गया, जहां ये बताने की कोशिश की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शामिल असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी, ताकि ऐसे मामले फिर ना हो सकें। ऐसी ही घटना पिछले दिनों मेवात में भी हुई थी, शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था। इसलिए ये बता दिया गया कि साहब नू मेवात की तरह गुजरात में भी दंगे हो गए हैं, पर नू मेवात में किन लोगों ने भड़काया वो तस्वीर देश की जनता के सामने है। और अगर जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की है, गुजरात पुलिस भी अगर इसकी जांच करे तो इसके पीछे भी मास्टरमाइंड मोनू मानेसर जैसे लोग ही निकलेंगे, जो कि नू मेवात में हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी है। अगर इन तमाम त्रिशूल बांटने वाले लोगों की जांच कराएं तो सारा खेल जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा। पर यहाँ आपको बता दें कि गुजरात में गणपति विसर्जन के बाद 24 घंटे के अंदर घटनाओं ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना वडोदरा जिले के सावली में आने वाले जंबूसर गांव में हुई। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे, बाद में शांति व्यवस्था भंग हो गई। तो दूसरी घटना नर्मदा जिले में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर सामने आई। पथराव की यह घटना महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिले सलाबा गांव में हुई है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया, इसके बाद एक दो दुकानों को आग लगा दी गई। सूचना पर पुलिस अलावा अफसर पहुंचे और स्थिति को संभाला। फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यहां खुल करके मुस्लिम समुदाय ने पत्थर फेंके, इसकी जांच करने की ज़रूरत है, जहां खुद ही माय लॉर्ड बन करके तमाम फैसले जो हैं वो देती हुई गोदी मीडिया दिखाई दे रही है। यहाँ गणपति विसर्जन और बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान पथराव के बाद बवाल की घटनाओं में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तहसील के जंबूसार गांव के धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंके जाने के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। तो वहीं नर्मदा जिले के सलाबा में हुई पत्थर की घटना में नया ट्विस्ट आया है। जिले के विधायक और आम आदमी पार्टी नेता चेतर बसवा एक वीडियो में पुलिस अधिकारियों से कहते हैं, दिख रहे हैं कि बिना परमिशन के शौर्य यात्रा कैसे निकली। हिंदू संगठन के मीडिया को दिए गए मैसेज के बारे में पहले से सूचित किया गया था,
विधायक की इस बात पर पुलिस अधिकारी हां में हां मिलाते दिख रहे हैं। विधायक का दावा है कि जानबूझकर सैलाबा में दूसरे समुदाय को उकसाया गया, इसके बाद स्थिति बिगड़ी। अब वो जो बात मैं कह रहा था वो यहां सामने आ गई कि बिना परमिशन के शोभा यात्रा कैसे निकली और इन लोगों को इजाज़त कैसे किसने दी कि जो रूट इनका तय नहीं था उस रूट को डाइवर्ट करके मुस्लिम बस्ती में घुसना है। एक समुदाय को उकसाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से क्यों की गई। यहाँ मुसलमान अगर कोई जुलूस जलसा करने की कोशिश करें तो पुलिस प्रशासन जो है पहुंच जाता है कि साहब आपको इजाज़त नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर इन लोगों को इतनी बड़ी इजाज़त कैसे मिल जाती है मुसलमानों को उकसाने की, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है कि बिना परमिशन यात्रा निकाल रहे थे और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश जो है वो बजरंग दल के गुंडों द्वारा की गई। और जब बजरंग दल के गुंडों द्वारा ये तस्वीर को अपनाया गया तो मुसलमानों ने उन्हें वहाँ से खदेड़ा, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को बारीकी से आपके सामने रखता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।